सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जियो का F220B मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम ये है, हमारा जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है, यानी कि लैगिंग प्रॉब्लम इसके अंदर। तो अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है और कीपैड अच्छा से वर्क नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, कोई भी की दबाने पे हमारा जो फ़ोन है वर्क नहीं करता, कीपैड जल्दी वर्क नहीं करता। तो उसी के बारे में आज के ई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें आप करना है, कैसे आपका जो है ये प्रॉब्लम सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फ़ोन को स्टार्ट होने देते हैं, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और भी मैं वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँ, उसका नोटिफिकेशन भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये है, हमारा फ़ोन के अंदर जल्दी से कोई भी की मतलब वर्क नहीं कर रहा और हैंगिंग का प्रॉब्लम है। जियो का फ़ोन है, यहाँ पे देख सकते हो मैं काफ़ी दबा रहा हूँ, उसके बाद से भी हमारा फ़ोन वर्क नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फ़ोन को ऑफ़ कर लेंगे। ऑफ़ करने के बाद हमारा जो है पावर की और स्टार की एक साथ प्रेस करेंगे। सबसे पहले स्टार की दबाएंगे और उसके बाद पावर की। जब हमारा ओपन हो जाएगा, लोगो पे आ जाएगा जियो लिख के, तो हमको पावर की को छोड़ देना है और स्टार को दबा के रखना है। अब यहाँ पे वाइप डाटा पे ले जाना है और यहाँ पे पावर की से यस कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करना होता है तभी जो ये हमारा फ़ोन का पावर की वर्क कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको पावर की से फैक्ट्री डाटा रीसेट पे ले जाना है और यहाँ से फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देना है। इसके बाद से आपका जैसे ही फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाता है, उसके बाद से बैक करना है। ठीक है, ऊपर वाले नो पे ले जाके बैक कर देना है और फिर से वाइप कैच पार्टीशन वाले पर ले जाना है। तो देख सकते हो काफ़ी मतलब टाइम लगता है, फ़ोन का जो है कीपैड वर्क नहीं कर रहा अच्छा से। तो फिर से यहाँ पे वाइप कैच पार्टीशन पे ले जाएंगे और पावर की को प्रेस करेंगे और फिर से नीचे वाला बटन दबा के और पावर की प्रेस करेंगे, तो हमारा वाइप कैच डाटा रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपना फ़ोन का फॉर्मेट कर सकते हो, हार्ड रीसेट कर सकते हो, आपका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके फ़ोन में और आप बिल्कुल अच्छे से आपका फ़ोन वर्क करेगा, हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर आपके पास जियो का फ़ोन है वो F220 मॉडल, तो उसका बूट की है पावर की और स्टार्ट की एक साथ प्रेस करोगे, तो आपका जो है फ़ोन का ये प्रॉब्लम हार्ड रीसेट करना होगा, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और अपने फ़ोन को स्टार्ट होने देते हैं। उसके तो अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है फ़ोन को स्टार्ट होने में, जियो का फ़ोन काफ़ी टाइम लगता है, मैंने वीडियो को स्पीड किया हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल ओपन हो चुका है।